अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेलीप्राइम में कंपाउंड यूनिट क्या है और उसे कैसे बनाते हैं और उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। इसके पहले हमने आपको सिंपल यूनिट और अल्टरनेट यूनिट बनाना और उनका उपयोग करना बताया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लें, जिससे कि कंपाउंड यूनिट को समझना और उस पर काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कंपाउंड यूनिट के बारे में। अल्टरनेट यूनिट वाली वीडियो में आपने देखा कि हमने क्विंटल में सामान खरीदा और किलोग्राम में बेचा, और इसके लिए हमने दो सिंपल यूनिट्स को अल्टरनेट यूनिट बनाकर उपयोग किया। अब हमारे बिजनेस की और ग्रोथ हो रही है, हम बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से और ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदेंगे। पहले हम क्विंटल में माल खरीद रहे थे, अब टन में माल खरीदेंगे और उसे क्विंटल और किलोग्राम्स में बेचेंगे। इसके लिए हमें तीन यूनिट्स की जरूरत होगी, टन, क्विंटल और किलोग्राम। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक टन में 10 क्विंटल होते हैं और हमने बताया था एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, और इस तरह एक टन में हुए 1000 किलोग्राम। अभी हमारे पास क्विंटल और किलोग्राम की यूनिट पहले से ही बनी हुई है, अब हम टन की यूनिट और बना लेते हैं। हम टन की सिंपल यूनिट बना रहे हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में हम 3 ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं, और जब हम आइटम्स को किलोग्राम में सेल करें तो टैली उसे एक्सेप्ट कर ले। अब हमारे पास 3 यूनिट्स हो गई हैं, टन, क्विंटल और किलोग्राम। स्टॉक आइटम्स बनाते समय हमें क्विंटल और किलोग्राम की अल्टरनेट यूनिट बनाना तो पहले से ही आता है, अब हम टन और क्विंटल को आपस में जोड़ना भी सीख लेते हैं। उसके लिए हमें कंपाउंड यूनिट बनाना होगी। अभी हम यूनिट क्रिएशन स्क्रीन पर हैं। कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए पहले हमें यूनिट टाइप को सिंपल से चेंज करके कंपाउंड करना होगा। उसके लिए हम बैकस्पेस की को प्रेस कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ यूनिट्स में से कंपाउंड सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें टन को क्विंटल से जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में लेंगे टन। जैसा कि यहाँ आप ऊपर एग्जांपल में देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। इसी तरह कन्वर्जन में हमें टन और क्विंटल दोनों का संबंध बताना होगा। हमें पता है कि एक टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो यहाँ कन्वर्जन में हम टाइप करेंगे 10 और सेकेंड यूनिट में हमें क्विंटल सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने पिछली वीडियो में इसी कंपनी में अपने स्टॉक आइटम राइस के लिए अल्टरनेट यूनिट का उपयोग करते हुए ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए थे, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी यूनिट को लेकर ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं तो उस स्टॉक आइटम की यूनिट में कोई भी अल्टरेशन नहीं हो सकता। इसलिए हम एक नया स्टॉक आइटम वीट और बना लेते हैं, जिससे इन तीनों यूनिट्स को एक साथ उपयोग करके देख सकें। देखिए, स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। हम नेम में ले रहे हैं वीट, अंडर में प्राइमरी, यूनिट्स में हमारी बेसिक यूनिट है किलोग्राम्स। अल्टरनेट यूनिट में हम सिलेक्ट करेंगे टन ऑफ 10 क्विंटल। अब जैसा कि आप जानते हैं 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, अब हम वेयर में टाइप करेंगे 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम्स। ये देखिए, इस तरह से यहाँ सभी यूनिट्स आपस में लिंक हो गई हैं। 1 टन बराबर 10 क्विंटल और 1 क्विंटल बराबर 100 किलो। अब आप इस आइटम को किसी भी यूनिट में खरीदें या बेचें, इसका कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए अब हम एक परचेज वाउचर बना लेते हैं।
पार्टी अकाउंट नेम में सप्लायर ए सिलेक्ट करेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट और यहाँ नेम ऑफ आइटम में लेंगे वीट। हम 5 टन गेहूं खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ क्वांटिटी में 5 टाइप करके उसके साथ टन के लिए टी टाइप करेंगे। ये देखिए 5 टन टाइप करते ही यूनिट कन्वर्ट होकर 5000 किलो अपने आप आ गया है। रेट में ले लेते हैं 20,000 रुपए प्रति टन। उसके लिए 20,000 लिखकर एंटर प्रेस करें और पर में टन के लिए टी टाइप करें और एंटर प्रेस करें। देखिए अमाउंट में 5 टन का अमाउंट आ गया है। अब इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें। अब हम एक सेल्स वाउचर बना लेते हैं। यहां पर पार्टी अकाउंट नेम में हम कस्टमर ए सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और यहां आइटम में वीट सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने 12.5 क्विंटल माल बेचा है तो यहां 12.5 के बाद टाइप करेंगे क्यू और एंटर प्रेस करेंगे। और अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमने जो सेल्स वाउचर बनाया, यदि आप उसका प्रिंटआउट अल्टरनेट यूनिट के साथ चाहते हैं तो उसके लिए पहले पेज अप की प्रेस करें। अब कंट्रोल और पी प्रेस करें। यहां हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उसके लिए F12 या C प्रेस करें। अब यहां शो क्वांटिटी विद अल्टरनेट यूनिट और शो अल्टरनेट यूनिट इन सेपरेट कॉलम, यदि यस है तो ठीक और यदि नो है तो उन पर जाकर एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही ये ऑप्शन यस हो जाएंगे। इसके बाद इस विंडो को एक्सेप्ट करें। अब प्रीव्यू के लिए आई प्रेस करें, फिर जूम करें। देखिए यहां पर हमारा बिल किलोग्राम में और उसके साथ ही टन और क्विंटल में भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम इस स्टॉक आइटम की रिपोर्ट भी देख लेते हैं। स्टॉक आइटम मंथली समरी आ रही है, हम यहां एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब यहां F12 प्रेस करके अल्टरनेट यूनिट को यस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी रिपोर्ट टन क्विंटल और किलोग्राम में दिखाई पड़ रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।